अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। तो फाइनली दोस्तों द केरला स्टोरी इस साल की मोस्ट लवेबल एंड मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल अंडरडॉग मूवी, जिसने आज शानदार तरीके से 32 दिन सिनेमाघर में कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज जानेंगे कि मूवी अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू मिलने हैं, मूवी और कितना कमा सकती है, सब जानेंगे कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी ऐसे रियल एंड मसालेदार कंटेंट के डाई हार्ड फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं तो किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि फिल्म इतने लंबे समय तक सिनेमाघरों में टिकेगी, और एक बार फिर इस फिल्म ने साबित कर दिया कि कंटेंट में दम होना चाहिए, बड़ा चेहरा या बड़ा प्रोडक्शन हाउस की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन यह है कि कमाई के मामले में आंकड़ा स्लो होता दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 30 दिन कंप्लीट होने के बाद पठान जैसी बड़ी फिल्म भी बुरी तरीके से स्लो डाउन हो चुकी थी, और आज 32वें दिन के इन दोनों फिल्मों के आंकड़े देखें तो कहीं ना कहीं केरला स्टोरी इस मामले में पठान को बीट कर रही है। दूसरा ये कि पठान के बाद सिनेमाघर में इस साल की दूसरी फिल्म है जो लंबे टाइम तक टिकी हुई है, जबकि जब से मूवी का ट्रेलर आया था लगातार बॉयकॉट हुआ, लेकिन कॉन्टेंट ने, स्टार कास्ट की मेहनत ने मूवी को सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट बना ही दिया, क्योंकि जो भी मूवी को देखकर थिएटर से बाहर आ रहा है उसे उसकी सच्चाई से दिल दहल जा रहा है, क्योंकि ओरिजिनल और ऐसे कंटेंट को तैयार करने में काफी मेहनत और रिसर्च भी लगती है, और अक्सर इंडियन सिनेमा में बहुत सी जगह ब्रूटल सीन्स बहुत हद तक फिल्टर करके दिखाए जाते हैं, लाइक कश्मीर फाइल जिसमें भयंकर लेवल की ब्रूटैलिटी तो थी लेकिन सिर्फ 5% भी उसका ढंग से दिखाया नहीं गया। पर इस मूवी में आपको काफी रियलिटी देखने को मिलेगी, बहुत से इंसिडेंट एज इट इज दिखाने पर ज्यादा फोकस किया गया है, इसलिए लोग इसे पसंद भी खूब कर रहे हैं। बात करें कास्ट की तो अदा शर्मा मेन लीड में हैं, और सपोर्टिंग कास्ट में आपको सिद्धि दिनानी, योगिता बिहानी और सोनिया बलानी जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, सुदीप्त सेन के डायरेक्शन में लगभग 35 से 40 करोड़ के टोटल बजट में बनने वाली फिल्म द केरला स्टोरी एक रियल एंड ब्रूटल इंसिडेंट पर आधारित फिल्म है, जिसने नया इतिहास लिखते हुए पहले 3 दिन में 35 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन अपने खाते में रखा था, और अपने पहले ही हफ्ते में 81 करोड़ 50 लाख से ऊपर का जबरदस्त स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लिया था, और अपने दूसरे हफ्ते में लगभग 90 करोड़ का कलेक्शन अपने खाते में रखा था, और अपने थर्ड वीक से लगभग 41 करोड़ 75 लाख का जबरदस्त कलेक्शन कर लिया था। दोस्तों इसी के साथ द केरला स्टोरी बॉलीवुड की फीमेल डोमिनेंट में बनने वाली फिल्मों में नंबर 1 पर अपनी जगह बना ली थी बहुत ही कम समय में, और साथ ही अक्षय और सलमान जैसे दिग्गज स्टार की फिल्मों को भी खदेड़ा था, लाइक किसी का भाई किसी की जान और सेल्फी जैसी मूवी, और अभी तक की मोस्ट लवेबल फिल्म बन चुकी है। साथ ही अजय देवगन की भोला को भी जबरदस्त टक्कर दिया है बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के मामले में। दोस्तों जहां इस फिल्म ने अपने 27वें दिन तक लगभग 230 करोड़ तक का कलेक्शन कर लिया था, वहीं अपने 28वें दिन में 1 करोड़ 30 लाख, 29वें दिन में 1 करोड़ 5 लाख, 30वें दिन में 1.5 करोड़, और कल यानी अपने 31वें दिन में लगभग 2 करोड़ 2 लाख का जबरदस्त स्ट्रॉन्ग होल्ड करा था। बात करें आज यानी डे 32 में कैसी ग्रोथ है, तो अब आंकड़ा स्लो डाउन होता दिख रहा है, लेकिन मूवी ने अभी भी दम नहीं छोड़ा है, जबकि हाल ही में रिलीज जरा हटके जरा बचके मूवी और हॉलीवुड की फास्ट टैग जैसी मूवी जबरदस्त टक्कर दे रही है उसके बावजूद। ये काफी जगह अब सोच ऑक्यूपेंसी रेट बहुत कम हो गया है। इसी के साथ आज एंड ऑफ द डे शायद से शायद 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में कलेक्शन कर लेगी मूवी। इसी के साथ द एंड ऑफ द डे लगभग 237 करोड़ 14 लाख से ऊपर एंट्री मान लेगी मूवी टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में, और इसी के साथ पठान के बाद इस साल की सेकंड बिगेस्ट ग्रॉसर मूवी का खिताब हासिल कर लेगी। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। अगर आप लोगों ने भी द केरला स्टोरी फिल्म को देख लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? दूसरा द केरला स्टोरी ये फिल्म कॉन्ट्रोवर्सियल क्यों है? साथ ही ये फिल्म और कितना दिन सिनेमाघर में टिकेगी? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।